हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि टैली erp-9 में हम स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम्स कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमको टैली erp-9 को ओपन करना होगा। ये मैंने ओपन कर रखा है, गेटवे ऑफ टैली के मेन मेन्यू पे हैं। अब हमको यहां पे स्टॉक आइटम बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कहां जाना है, हमें जाना है इन्वेंट्री इन्फो पे। तो यहां पे देख सकते हैं इन्वेंट्री इन्फो के लिए हमें आई प्रेस करना है, क्योंकि आई रेड कलर में हाईलाइट है, आप देख सकते हैं इसको। तो माउस से आई बटन जैसे ही प्रेस कीजिएगा तो इन्वेंटरी इन्फो के बॉक्स पे आ जाएंगे, और यहां पर आप देख सकते हैं यहां पे स्टॉक आइटम्स, यूनिट ऑफ मेजर्स, गोडाउंस, ये सारे चीजें यहां पे आपको डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टॉक ग्रुप के बारे में जानते हैं कि स्टॉक ग्रुप है क्या। जैसे सपोज कीजिए यहां पर हमने इस पे एंटर किया, और यहां पर आप मल्टीपल और सिंगल दो तरह से स्टॉक ग्रुप बना सकते हैं। सिंगल ग्रुप की बात करेंगे, यहां पर हम क्लिक करते हैं, एंटर करते हैं, तो यहां पर ये स्टॉक ग्रुप वाला क्रिएशन वाला बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहां पर हम लैपटॉप्स का एक ग्रुप बना लेते हैं। आप समझिएगा, ये लैपटॉप्स के ग्रुप में सिर्फ लैपटॉप्स ही आएंगे। तो यहां पे लैपटॉप्स का एक ग्रुप बनाया हमने, और लैपटॉप्स को हम प्राइमरी कैटेगरी में अभी रखते हैं, ठीक है, और इसको एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करा लेते हैं। फिर कीबोर्ड्स का ग्रुप बना लेते हैं, यहां पर मैं लिखता हूं कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड लिखा हमने, और इसको प्राइमरी ग्रुप में रखेंगे और इंटरफेस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। एक ग्रुप बनाता हूं मोबाइल्स का, ठीक है। तो ये तीन ग्रुप हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तीन स्टॉक ग्रुप हमने क्रिएट किया, एक मोबाइल, एक लैपटॉप, ठीक है, और एक कीबोर्ड। ये तीनों ग्रुप हमने क्रिएट कर लिए, ठीक है। तो अभी हमने क्या बनाए, अभी हमने ग्रुप बनाए हैं, ठीक है। अब हमें कहां चलना है, इसके बटन प्रेस करके और आना इन्वेंटरी इन्फो पे। अब हमें स्टॉक आइटम्स बनाने हैं, चलते हैं, एंटर करते हैं और क्रिएट पे क्लिक करते हैं। चलिए हम डेल का लैपटॉप खरीद रहे हैं, तो मैं पहचान के लिए यहां पे लैपटॉप भी लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां पे डेल का लैपटॉप हम खरीद रहे हैं, और यहां लिखा हुआ है प्राइमरी, लेकिन हमने ग्रुप बनाया है लैपटॉप्स का। तो डेल का अगर हम लैपटॉप खरीद रहे हैं तो ये लैपटॉप के ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। यहां पर पीस रख सकते हैं हम आइटम में, ठीक है, यहां पे जो यूनिट आ रहा है इसमें हम पीस रख सकते हैं। तो अल्ट के साथ सी दबाएंगे तो यहां पे पीस या पैकेट ऐसे कुछ कर सकते हैं हम, यहाँ पे पीस कर देते हैं, पीसीएस, ठीक है, फॉर्मल नेम पीआईईसीई, पीस कर देते हैं, ठीक है। इंटरफेस किया, यहाँ पे पीस आ जाएगा या पैक्स आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पीस कर देते हैं हम, इंटरफेस करता हूं और इसको एक्सेप्ट करा लेता हूँ। डेसिमल पॉइंट ऐसे ही रहेगा, इसमें जीएसटी एप्लीकेबल मैंने पहले से कर रखा है तो ये जीएसटी एप्लीकेबल दिखा रहा है। तो ये हमने डेल का लैपटॉप बना लिया। अब दूसरा इसमें बनाना है हमें लेनोवो का लैपटॉप, तो लेनोवो लिखता हूं मैं यहाँ पे, लेनोवो, ठीक है, और लैपटॉप पहचान के लिए यहां लिख देता हूं ताकि ये लैपटॉप्स के ग्रुप में है ये आपको पता चलता रहे। इंटरफेस किया, यहां पर आए और यहां पर लैपटॉप्स के ग्रुप में इसको डालना है, हमने लैपटॉप्स का एक ग्रुप बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे लैपटॉप्स के ग्रुप में डाल दिया हमने, पीसीएस किया हमने, और यहां पर इसको एक्सेप्ट करा लिया, ओके। तो ये देखिए दो चीजें बन गई। अब तीसरी चीज हमें बनानी है जिसका नाम है एचपी। तो अब हम एचपी के लैपटॉप्स की बात कर रहे हैं, तो यहां लिखा एचपी, ठीक है, इंटरफेस किया और यहां पर आ जाएंगे हम लैपटॉप्स के ग्रुप में। इंटरफेस किया, पीसीएस लिखा हमने, जीएसटी एप्लीकेबल ही रहेगा, इंटरफेस किया, एक्सेप्ट करा लिया। तो ये देखिए तीन हमने यहाँ पे आइटम्स के नाम दे दिए हैं। अब हम इसके बटन प्रेस करके बाहर आते हैं, ठीक है। अगर हम कोई और भी स्टॉक, जैसे कि अभी हम इंटरफेस करते हैं और अभी यहां पर हम बनाएंगे कीबोर्ड्स के डिटेल बनाएंगे, तो अभी सपोज कीजिए कि QHMPL इस कंपनी के कीबोर्ड की हम बात कर रहे हैं, तो ये पहला कीबोर्ड का आइटम है और ये जाएगा कीबोर्ड वाले ग्रुप में। तो यहाँ कीबोर्ड वाले ग्रुप में इसे डाल दिया हमने, इसे हम आइटम कर देते हैं, आप पीस भी रख सकते हैं, इंटरफेस किया और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये पहला कीबोर्ड का आइटम बन गया। अगर सपोज कीजिए कि लेनोवो का ही लैपटॉप है, लेनोवो का ही कीबोर्ड है, ठीक है, लेनोवो, ठीक है, तो यहाँ लेनोवो कर देते हैं। तो यहां पर फिर वापस आएंगे और यहां पर कीबोर्ड्स के आइटम में इसे डाल देंगे, इसे आइटम ही रखेंगे और इंटरफेस करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे दो हमने नाम रख दिए हैं, दो कीबोर्ड्स में दो आइटम हमने डाल दिए हैं। अब फिर मान लीजिए कोई और हमें बनाना हो, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हमने ग्रुप्स क्या क्या बनाया हुआ है। यहाँ पे अल्टर यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे तो यहाँ सारे ग्रुप्स दिख जाएंगे। तो अभी मोबाइल्स के ग्रुप में आना है हमें, ठीक है, हम मोबाइल्स के स्टॉक आइटम बनाएंगे, ठीक है। तो सपोज कीजिए हम बना रहे हैं मोटोरोला मोबाइल का गोला, यहाँ पे किया हमने, इंटरफेस किया और यहां पर मोटोरोला को हम डालेंगे मोबाइल्स के ग्रुप में, ठीक है, इंटरफेस किया,
ये आइटम कर देंगे हम और एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। दूसरा जो हम बनाएंगे कंपनी का नाम देंगे वो है रेडमी, तो यहां लिखता हूं मैं रेडमी, तो रेडमी भी मोबाइल है तो मोबाइल्स के ग्रुप में ये जाएगा, ठीक है, यहां पे मोबाइल्स का ग्रुप और आइटम करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है। इसी तरह से एक और मोबाइल सैमसंग करते हैं, सैमसंग के, और यहां से आइटम करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। इस तरीके से हम स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम्स बना सकते हैं। ये डिस्प्ले कहां होगा, दिखेगा कहां, तो यहां देखिए स्टॉक आइटम की लिस्ट अगर आपको देखनी है तो यहां से आप डिस्प्ले पे जाके भी स्टॉक आइटम के लिस्ट देख सकते हैं। हमने जो जो बनाए हैं ग्रुप्स, ये कुछ पहले से भी स्टॉक आइटम के ग्रुप्स में ये चीजें अवेलेबल है, ठीक है। तो पहले ग्रुप्स देख लेते हैं कि ग्रुप्स में कौन कौन सी चीजें हैं। तो यहाँ पे ग्रुप पे जाएंगे और यहां से जी प्रेस करेंगे तो ग्रुप्स के जो डिस्प्ले जो दिया हुआ है यहाँ पर डिस्प्ले में डी दबाएंगे और ये सारी आइटम्स जो ग्रुप्स हैं वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो पहला ग्रुप है क्लॉथ्स का, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स का, तीसरा ग्रोसरी का, चौथा कीबोर्ड जो हमने बनाया, लैपटॉप्स हमने बनाया और मोबाइल्स हमने बनाया। ये तीनों ग्रुप्स अभी अभी हमने क्रिएट किए हैं, तो इन्हीं तीनों ग्रुप्स के आइटम्स को हमें देखना है। तो अब चलते हैं वापिस से, कहां चलेंगे, वापिस से चलेंगे स्टॉक आइटम्स पर। तो यहां पे स्टॉक आइटम आ रहा है, आई प्रेस कीजिए आप और डिस्प्ले में जाने के लिए डी प्रेस कीजिए। तो यहां पे देख सकते हैं पहले से बने हुए कुछ आइटम्स यहां पे मौजूद हैं, लेकिन अभी हमने जो बनाया मोबाइल्स के ग्रुप में मोटोरोला, ठीक है, और रेडमी और सैमसंग, ठीक है, ये तीनों जो है मोबाइल्स के ग्रुप के हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं ये QHMPL, ये कीबोर्ड है, ठीक है, क्या है, कीबोर्ड है। और यहां पे लैपटॉप का जो बनाया हमने, ठीक है, तो वो लेनोवो का लैपटॉप है, ठीक है। इसके अलावा एचपी का भी लैपटॉप होगा, तो यहाँ पे एचपी वाला लैपटॉप यहाँ ऊपर दिख रहा है, ठीक है। इस तरह से करके हमने ये ग्रुप्स बनाए हैं जिसमें हमने ये सारी चीजें रखी हुई हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये ग्रुप्स कैसे बनाते हैं, स्टॉक ग्रुप कैसे बनाते हैं और स्टॉक आइटम कैसे बनाते हैं, ये दोनों बात आपके समझ में अच्छे से आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।